शिव एक कथा भवानी को सुना रहे हैं। कर्म की पीठ पर बैठे परम विवेकी याज्ञवल्क जी महाराज एक कथा भरद्वाज जी को कह रहे हैं। उपासना की भक्ति की भूमि पर बैठकर एक कथा इच्छा मरण परम भागवत बाबा भुसुंडी जी खगपति गरुड़ को सुना रहे हैं। और प्रपत्ति शरणागति के सुरक्षित पीठ पर विराजित पूज्यपाद गोस्वामी जी ये कथा अपने मन को सुना रहे हैं। आइए राम कथा के सुंदर कांड का जो प्रसंग इस कथा के लिए चुन लिया गया है उसका कुछ और दर्शन करें। रावण की लंका
क्यों जलाई जा रही है, क्यों? जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बहुत अद्भुत खुलासा दिया है। रावणु सो राज रोग बाढ़त विराट ऊर। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि इस विराट के हृदय के लिए, इस वैश्विक विचारधारा के लिए, इस निखिल ब्रह्मांडीय अंतःकरण के लिए उस समय में रावण राज रोग बनकर बैठा था। रावणु सो राज रोग बाढ़त विराट ऊर। इस जो विराट है, ये प्रभु की जो सृष्टि है, उसमें रावण एक राज रोग बन गया था। आप सब जानते हैं पहले के जमाने में राजरोग बड़े घराने में ही हुआ करता था, राजाओं में। ये टीबी, ये कैंसर आदि आदि जो बड़े रोग हैं, वो बड़े घराने में होते थे, सामान्य जन में नहीं होता था। ये विराट ऊर बड़ा घराना है। क्या अद्भुत जवाब दे रहे हैं गोस्वामी जी कवितावली रामायण में। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस लंका दहन का प्रसंग कवितावली रामायण में सुनना। सुंदरकंड कितने पद लिख दिए हैं मेरे गोस्वामी जी। किन किन दृष्टि से एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। क्या क्या पाया है इस प्रसंग से। तो रावणु सो राज रोग बाढ़त विराट ऊर। गोस्वामी जी कहते हैं इतना बड़ा राजरोग हो गया था इस विराट के अंतःकरण को कि मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। कोई मां को नहीं मानता था, कोई पिता को नहीं मानता था, कोई गुरु को नहीं मानता था, कोई शास्त्र को नहीं मानता था, कोई भाई को नहीं मानता था, कोई पड़ोसी को नहीं मानता था। पूरे संसार में भ्रष्टाचार छा गया था। वो स्वामी जी लिखते हैं कवितावली में, उपचार करके करते सिद्ध लोग, मुनि लोग, देवता लोग थक गए। इस राज रोग का कोई शमन नहीं कर पाया। तब भगवान राम ने एक रसवैद्य के रूप में हनुमान जी को लंका भेजा। कवितावली, हनुमान जी रसवैद्य है और मृगांक नाम की रसौषधि उसने प्रकट की लंका दहन में। मृगांक नाम की जो पूरा वैद्य शास्त्र है, एक रस की औषधि निर्माण की हनुमान, एक वैद्य के रूप में हनुमान जी आया है। और जो वैद्य के रूप में आता है वो कभी दुश्मन नहीं हो सकता। रावण की सभा में राम की ओर से वैद्य आया है और भगवान राम का लघु भ्राता लक्ष्मण मूर्छित हुआ है, तो रावण की ओर से वैद्य आया है। क्योंकि वैद्य को कोई न जाति होती है, न धर्म होता है, न उसका एक मानव धर्म होता है। इसलिए तो रामायण में बहुत नीति की अद्भुत घोषणा की कि तीन लोग यदि तीन की खुशामत करेंगे तो विश्व में से तीन वस्तु का तत्काल नाश हो जाएगा। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन ही जो प्रिय बोल ही भय आस। भय के कारण अथवा तो कोई प्रलोभनों के कारण तीन यदि किसी के सामने हित की बात नहीं करेंगे तो तीन वस्तु का नाश हो जाता है। एक सचिव, सचिव यदि भय से या कोई आशा प्रलोभनों से सत्ता को यदि सच न बताएं तो राज्य का नाश हो जाता है। वैद्य, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, वो भय के कारण या तो कुछ ज्यादा प्राप्त करने के कारण मरीज को यदि ठीक सलाह न दे तो मरीज के देह का नाश हो जाता है। और धर्मगुरु अपने समाज को, तत्कालीन उपस्थित जगत को सही पथ नहीं दिखाएंगे
भय के कारण या तो प्रलोभनों के कारण। इसे पूजनीय महाराज श्री अभी कह रहे थे कि लोगों का जब तक मानो तब तक भगवान कहेंगे, लोगों का नहीं मानोगे तो तुरंत फेंक देंगे। लोग कुछ भी करें, जैसे महापुरुष अपनी बात कहते ही नहीं, दुनिया की सुनते ही नहीं, करते रहे। हर रात नई शादी की बात कही, रोज नई मस्ती, रोज नया उमंग, स्वादु स्वादु पदे पदे, दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद संभवम। यदि धर्मगुरु भय से या प्रलोभन से खुशामद करेगा तो सनातन वैदिक और जो हमारी वैश्विक परंपराएं धरा पर उतरी है चेतना के रूप में, उसको हानि हो सकती है, उसको विक्षेप हो सकता है। तो श्री हनुमान जी रस वैद के रूप में, और वैद के रूप में भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि कवितावली का दर्शन रस वैद के रूप में आए, रसिक बनकर आए, भक्ति लेकर आए, आंखों में प्रेम और करुणा का जल लेकर आए, रसवैद बनकर आए। और वैद का कर्तव्य है, आपको सरदर्द हो और आप कोई डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर ये कहेगा कि बीमार पड़कर मेरे पास आया, पहले अच्छा होकर आ फिर दवा दो, पहले लायकात बना, पहले जरा सरदर्द मिटा फिर आ फिर दवा दूं, तो ये वैद्य धर्म नहीं है। सिरदर्द यदि नहीं होता तो तेरे पास क्यों आते। वैसे संत ये कहते, संत के पास जाने में कभी लायकात की जरूरत नहीं है। साधु ये नहीं कहेगा कि पहले अच्छा बनकर आ फिर मैं दवा दूं। अरे अच्छा बनकर आते तो तेरे पास क्यों आते, हम भी नहीं पूजाते। वहां कोई शर्त, तुम जाओ, तुम पहुंच जाओ। श्री हनुमान जी वैद के रूप में आए। व्यास गादी न्यायालय नहीं है, औषधालय है। ये न्यायालय नहीं है, यहां तुमको कर्म पाप पुण्य की कोई सजाएं घोषित कर दी जाए कि इतने को नरक मिलेगा, इतने को स्वर्ग मिलेगा, ये कोई पीठ नहीं है। ये यहां से तो दुआ और दवा का दान होगा, ये तो दुआ बांटती है, ये तो दवा देती है। तो श्री हनुमान जी रसवैद के रूप में आए। और रसवैद कौन के किसको के, एक खरल लेता है, शिकारा जिसको कहते हैं, खरल में वो बनाएगा, सुवर्ण की भस्म बनाएगा, रत्न की भस्म बनाए। तो हनुमान जी ने सोने और रत्न जितने लंका में थे उसकी जलाकर भस्म बनाई, मृगांक रस बनाया। लंका खरल हो गई मेरे बाबा के लिए, लंका खरल बन गई। और श्री हनुमान जी ने सोने की लंका और जितने रत्न थे, कवितावली में तो लिखा है कि कितना जला, जैसे घी बहता है ना पिघलकर, वैसे लंका जली तब लंका का सोना बह रहा है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि हनुमान ने लंका जलाई, नहीं खबरदार मेरे हनुमान पर आक्षेप किया तो, उसने नहीं जलाई। तो किसने जलाई, बोले राम के क्रोध ने और जानकी के श्वासोश्वास की वायु ने, जानकी की वायु ने हवा दे दी थी। क्योंकि भारत की एक बहन बेटी जिसका एक राक्षसी हाथ में अपहरण कर लिया, एक आसुरी भुजाओं ने, जो भुजाएं परमात्मा ने दी है समर्पण के लिए, वो भुजाएं अपहरण सीख गई थी समाज में। मैं कल भी आपको भगवान वेद की याद दिला रहा था कि जिस भगवान वेद ने यह घोषणा की है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत रह, इन भुजाओं ने लूटने का काम करना शुरू कर दिया। वो आजान भुज कौन काम की जो दूसरों को लूटे। भुजाएं तो इसलिए हैं कि सबको गले लगाए, सबको हृदय से लगाए। तो जानकी के श्वास से वायु जो निकलता था, उन वायु ने राम के क्रोध की अग्नि को भड़का दिया है और उसी से लंका जली है। हनुमान जी ने तो वैद का काम कर लिया कि सोना और रत्न का भस्म बना दिया।
लंका की खरल में घुटकर एक मृगांक रस निर्माण किया श्री हनुमान जी, क्योंकि समाज को एक रावण रूपी राज रोग लग गया था, विराट पुरुष को, विराट के अंतःकरण को। और आज संसार की कुछ कुछ यही स्थिति है, सबको रावण का राज रोग लगा हुआ है। ऐसे समय में ये सब महात्मा जो यहां आए हैं, बोल रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, वो सब मेरी समझ में लंका दहन करने के लिए आए हैं। रावण बड़ा बुद्धिमान था, वैसे तो बुद्धिमान था ही, हाँ, उसको इतनी अक्कल नहीं आई होगी कि बंदर के हाथ में तुम जलती मशाल दे दो तो वो क्या करेगा। इतनी अक्कल कोई भी इंसान को आ सकती है कि एक बंदर को तुम, एक बच्चे को मशाल दे दो तो भी तुम समझते हो कि कुछ जला देगा, चाकू दे दोगे तो भी कुछ काट देगा। अज्ञानता में बंदर को मशाल देने में कोई भी आदमी सोचता है कि क्या हालत होगी, अभी कूदेगा तो ये जलाएगा, अभी कूद। तो रावण जैसा महापंडित, विश्व पंडित, उसकी अक्ल कहां गई? और उसको तो मशाल भी नहीं देनी है, पूछ ही जलाई, मशाल जुड़ी हुई है, तो क्या करेगा? उस भविष्य का उसने सोचा ही नहीं। कुछ पता ही नहीं लगा उसको। मेरे भाई बहन, एक वैद्य के रूप में श्री हनुमान जी लंका दहन करें, और यहां जितनी हस्तियां सबके लिए आई हैं, वो हमारी मानसिक संकीर्णता की लंका को जलाने के लिए आई है, अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी रीत से। तो आज रावण सो राज रोग बाढ़त विराट ऊर, पूरे विश्व में रावण रूपी राज रोग एकदम बढ़ गया है। उपसार उपचार करके ऋषि मुनि सब थक गए थे उस समय, तब हनुमंत को भेजा गया रसवैद्य के रूप में, और आज भी करीब करीब इसी मनोदशा से संसार गुजर रहा है। खूब सत्संग करो बाप, दुनिया में कहीं नजर होती है तो नजारा नहीं मिलता है, कहीं नजारा है तो अच्छी नजर नहीं मिलती है। सत्संग वो है वहां नजर भी है और नजारा भी है। दुनिया में देखिए कई जगह बड़ा सुंदर नजारा होता है, लेकिन नजर कहां? आंख नहीं है। इसको पूजने वाली, उसको वंदन करने वाली, इन सौंदर्य का शिकार करने वाली आंख है, श्रृंगार करने वाली आंख नहीं, वरना तो यह स्थिति नहीं होती। आज राम जन्म हम करने जा रहे, उसको देखने की एक आंख हो। सत्यम शिवम सुंदर, शिवम सुंदरम।
एक गुजराती कवि कह रहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये नगर मुझे बहुत सुंदर दिखाई देने लगा, पहले नहीं दिखाई देता था, अब बहुत सुंदर लगने लगा। तो किसी ने पूछा कि आपने प्रश्न उठाया है तो आप ही जवाब दीजिए कि अब क्या हो गया कि सुंदर दिखा। तब गुजराती कवि ने कहा कि मुझे नगर सुंदर दिखाई देने लगा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि सुंदर हो गई है। एक ऐसी आंख, नजारा तो बहुत है लेकिन नजर कहां है, और कहीं कहीं नजर है तो नजारा नहीं। सत्संग वो भूमि है बाप जहां नजर भी होती है और नजारा भी होता है, इसलिए हम सबका गुजारा होता है। निभ जाते हैं किसी की गोदी में, ए व्यास गादी को मैं गादी नहीं, हाँ गादी तो बोल लेता हूं क्योंकि बहुत प्रचलित शब्द है, लेकिन गादी शब्द रजोगुणी भी तो है, बड़ा रजोगुणी शब्द है। इसलिए मेरी अंतर भावना बार बार कहती रहती है कि उसको मैं गादी महसूस नहीं कह, बोलता जरूर हूं क्योंकि एक परंपरा में उसको व्यास गादी का, लेकिन मेरा अंतःकरण कहता है कि व्यास गादी नहीं है, ये व्यास की गोदी है, ये अंक है ऋषियों की, ये गोद है, और गोद सदैव सात्विक होती है, गादी सदैव रजोगुणी होती है। और झूठ कर प्राप्त किया गया सत्ता का सिंहासन सदैव तामसी होता है। चुनाव करना है इंसान को इस प्रवाह में कि हम किसको चुने। क्यों आज व्यास गादी के सामने, क्यों आज व्यास गादी, सभी संत के पास कोई ना कोई महापुरुषों का आश्रय है, क्यों आज सब उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं, हर जगह हो आए लेकिन फिर अध्यात्म की ओर सबकी आंखें क्यों उठी। महाराज श्री कल बता रहे थे कि अमेरिका में मुझे 2 दिन के बाद इतने साधकों को मुझे उसको शिविर अटेंड करना है। कई लोग क्यों अध्यात्म सत्ता की ओर मुड़े हैं। आज मैं देखता हूं कि जो हमारे काबू की बात नहीं, ऐसे प्रश्न भी हमारे पास आते हैं देश में। तो मैं देखता हूं तो मेरे पास ऐसे प्रश्न आते कि स्ट्रीट लाइट उड़ी जाए, पर एमा हूं शू करूं स्ट्रीट लाइट उड़ी, वो कॉरपोरेशन को कहो, वो म्युनिसिपालिटी को कहो, वो गांव के सरपंच को कहो, स्ट्रीट लाइट उड़ जाए। लेकिन इसका मैं राज समझता हूं कि लोगों की एक दृष्टि है कि शायद ये व्यास गादियां कुछ दे पाए, और कोई नहीं, किसमें गड़बड़ है तो फिर समस्या है साधु पुरुषों के पास। कोई भी समस्या, हर समस्या है। और आज तो एक बहुत सुंदर प्रश्न मेरे पास आया, उस बहन ने नाम भी लिखा है, पर मैं नाम नहीं बोलूंगा। उसने पूछा है कि बापू सब जगह से शास्त्रों से कोई ना कोई समाधान मिलता है, तो कृपया बताइए पति को वश कैसे किया जाए। ये प्रश्न लंदन ही पूछ सकता है और कोई नहीं पूछ सकता है। धन्यवाद, मैं सुबह से खुश हो गया आज। वाह वाह, क्या सुप्रभात कर दिया तुमने, क्या मंगल खबर सुनाई है। पति को कैसे काबू में किया जाए, मुझे आश्चर्य होता है कि काबू में नहीं है क्या, क्योंकि मेरी रामायण कहती है नारी विवस नर सकल गोसाई, नाच ही नट मर कट ही नाई। नारी विवस नर सकल गोसाई, नाच ही नट मर कट ही। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में पुरुष इतना अधीन हो जाएगा कि जैसे नट मरकट को नचाता है वैसे पुरुष नाचता रहेगा कलयुग में। वो तो पूरा पूरा कलयुग आएगा तब, अभी तो शुरुआत है। कली प्रथम चरणे संकल्पों में बुलवाते हैं, तो ऐसे तो ये बात है कि सब अधीन है और है भी,
पंचतारक होटल में पति पत्नी गए, कमरा बुक करवाना था, तो जाकर कहा कि भाई हमको 2 दिन रहना है, कमरा बुक करवा दो। तो जो बुक करता था उसने पूछा कि आप दोनों कौन है, बोले पति पत्नी, बोले शादी का सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं, कौन जाने कि तुम शादीशुदा हो कि नहीं, सर्टिफिकेट दो, लाओ प्रमाण पत्र कि तुम ब्याहे हो। तुरंत पत्नी चिल्ला गई कि हमने लाख बार आपको कहा कि सर्टिफिकेट साथ रखो, हजारों बार हमने कहा लेकिन आप हमारी नहीं सुने, दो जवाब साथ में रखते तो क्या बिगड़ जाता था। कई बार इतना डांटने लगी तो होटल वाले ने कहा प्रमाण पत्र मिल गया, आपको कमरा दे देते हैं, मिल गया, जाओ रहो रहो, जितने दिन रहना हो रहो, कोई कोई शंका नहीं है, मिल गया प्रमाण पत्र। बड़ा अच्छा प्रश्न, पति को वश कैसे किया जाए, होगी समस्या, मैं समझता हूं तभी तो पूछा होगा, कोई विनोद के लिए तो नहीं पूछा होगा। शास्त्रों में व्यवस्था है, एक वशीकरण मंत्र है, भाई मस्ती लेनी है, इतने दिन आए हैं। देखो भाई एक बात जो मैं मानता हूं सो कहता हूं, मुक्ति तो हमको कभी न कभी मिलने ही वाली है, देर बदेर का सवाल है, एक जन्म नहीं तो दूसरे जन्म कभी न कभी मिलने, क्योंकि जो गंगा निकली है वो कभी न कभी गंगा सागर पहुंचने वाली ही है, क्योंकि अंश को अंशी को मिलना ही पड़ता है, उसके सिवा छुटकारा ही नहीं। दीप को कितना ही जला करके उल्टा करो तो भी दीप शिखा ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूरज से निकला है, उसको सूरज की ओर ही जाना पड़ेगा। नदी को कितना ही तुम ऊपर चढ़ाओ लेकिन वो बहेगी जब तब नीचे की ओर ही जाएगी, क्योंकि वो समंदर की वो है, क्योंकि उनका अंशी सागर है, अंश को अंशी की ओर जाना ही पड़ता है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूतः ये जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए कभी न कभी पहुंचना देर की बात है, कभी सत्संग करते करते द्वार खुल जाएगा। तो मुक्ति तो मिलने वाली ही है, सवाल है मस्ती का, मस्ती मिल जाए बस, और मस्ती के लिए वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे राज महल में, कभी तो सोवे राज महल में, कभी तो सोवे राज महल में, कभी तो सोवे राज, और कभी तो गली अहीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी तो ओढ़े शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटिया लीरा दी, 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 कभी तो चाहे चना चबेना, कावे चना चबेना, कभी तो कावे चना चबेना, कभी लपटा लेंगे खीरा दी, कभी लपटा लेंगे खीरा दी, लपटा लेंगे खीरा दी, कभी लपटा लेंगे खीरा दी। भारतीय भाषा की ताकत देखिए, मैं प्रार्थना करूं कि भाई अपने घर में अपनी बोली बोलिए, जरूर जो जिस भाषा की जहाँ जरूरत हो, विश्व में जहाँ जो कोई न समझे, बाकी अपने घर में अपनी भारतीय बोली बोलो, भारतीय भाषा, भारतीय भाव, भारतीय भूमिका और भारतीय भेष को पकड़े रहो।
कितनी वजनदार भाषा है, उपाड़वी पड़ा जेम घासनी घासड़ी उपाड़वी पड़े भाषा उपाड़, इतनी वजनदार शक्तिशाली भाषा हर प्रांत की मेरे देश की है। ये पंजाब की भाषा कितनी वजनदार, और चले जाओ राजस्थान, राजस्थान का जिस कवि का एक गीत है जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, धरती धोरारी धोरारी 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 धरती धोरारी धोरारी। शब्द सुनिए, आ तो सुरगा को शर्माए पर देव रमण ने आए, इरो जस नारी नर गाए धरती धोरारी धरती धोरारी। आ तो सुरगा को शर्माए पर देव रमण ने आए, इरो जस नारी नर गाए धरती धोरारी धरती धोरारी 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 धरती वीरारी धरती वीरारी वीरारी राणा प्रताप की धरती, वीरों की धरती धरती मीरारी मीरारी धरती मीरारी मीरारी भाई मीरा की धरती धरती पीरारी पीरा रामदेव की धरती पीरारी पीरारी। आ तो सुरगा को शर्माए पर देव रमण ने आए, इरो जस नारी नर गाए धरती धरती धोरारी धरती धोरा कैरेक। तो कोई भाषा, कोई कोई भाषा के प्रादेशिक हमारी जो देश की बात इसके अर्थ समझ में ना आए तो भी उनका वजन इतना है कि आदमी भाव से भर जाता है। जयपुर नगरारी पटरानी जयपुर नगरारी पटरानी जयपुर नगरारी पटरानी जयपुर नगरारी पटरानी कोटा बूंदी गज अनजानी कोटा बूंदी गज संबल के वे ईरी काणी धरती धरती। मेरे देश का कवि कहता है ये पर तन लो मन लो जीवन प्राण उबारा पर जीवन प्राण उबारा गिरी धजा उड़े गिग नारा धरती धोरारी धजा उड़े गिग नारा धरती धोरारी। कितनी वजनदार जदो तेरे नाम लिया चढ़िया खुमारिया पंजाब, जदो तेरे नाम लिया चढ़िया खुमारिया की थोले रंगाइया अखा की थोले रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया तेरे नाम लिया चलिया कुमारिया।
सीता की कितनी प्रभावक बोली है हमारी। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा। उधर दक्षिण में चले जाओ, वो बोली में पहुंचना प्रवेश करना बड़ा कठिन है। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, लेकिन अपना वैभव लिए रामायणों लिए बैठी हैं उत्तर दक्षिण भारत की सभ्यताएं, उनकी भी अपनी अपनी। एक आध नमूना बेटे बोलो, दक्षिण भारत की यात्रा। ओम करना दानु संधान गान में शंकरा प्रांत का तो हमको भी नहीं है। लेकिन बंगाल में पूरे थोड़ा बंगाल का बाउल जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जो बहुत प्रिय था, एक दो पंक्ति उसकी। डूब 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 रूप सागर हमार मो, डूब 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 रूप सागर हमार मो, तौल पातल खोजले तौला तौल पातल खोजले, पाबीर प्रेम रत्न धन, पाबीर प्रेम रत्न धन, डूब 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 रूप सागरे हमार मो, डूब 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 रूप सागरे हमार मो। हर प्रांत की अपनी अपनी। और अषाढ़ घ घूमिए लुमिए चंद मेघाणी। बापू, गांधी बापू जब बीजी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ब्रिटेन आ रहे थे, तब कविता लिख कर दी थी स्टीमर के। वहां पहुंची स्टीमर जाने कि छन्नो कटोरो जेर नो तू पी जजे बापू, अने सागर पिनारा एक अंजलि न ढोल जे बापू। विकराल के सरियाल ने पंपाड़ तो बापू, चालो जजे तुझ भूमियो भगवान छे बापू। शू थयु ब्रिटेन से कुछ परिणाम आए ना आए बापू, फिकर मत करना। शू थयु त्याती ढींगलू लावो न लावो, अरे बोसा दईशू भले खाली हाथ आवो। हैया लगी गड़वा गरल जट जाओ रे बापू, अने सागर पिनारा अंजलि नव ढोल जे बापू। राष्ट्रीय शायर मेघाणी, सौराष्ट्र की बोली उसकी तो आए। भाई देखो, इसमें कोई ये न समझे कि, लेकिन अपना होता है उसके लिए जरा लगाव होता है। एक 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 आदमी ने एक पक्षी को पाला, फिर सोने के कफस में पिंजड़े में रखा और ऋतु ऋतु के फल विदेश से मंगवा करके उसको खिलाया। लेकिन जब उसने सोने के पिंजड़े में पक्षी को पालना शुरू किया, तब उसका वजन किया था कि कितना वजन है। एक महीने तक प्रकृति उसको न दे सके इतना खान पान पक्षी को दिया उसने। जो फल न मिले ऋतु में उस समय उस मुलक में, तो विदेश से मंगवाता था। लेकिन एक महीने के बाद फिर पिंजड़े से पक्षी को निकाल करके जब उसने उसका वजन किया, तो पक्षी दुबला हो गया, वजन कम हो गया। और कम हो गया तब उस सयाद ने पूछा कि तेरा वजन क्यों कम हो गया? मैंने तुझे ऐसे पाला, क्या मेरी गलती है?
तो पक्षी ने जवाब दिया कि फर्क इतना ही है सयाद कफस और आशियाने में, ये सोने के पिंजड़े में और मेरा ये तरफगड़ो माड़ो जे तो इसमें फर्क इतना ही है, फर्क इतना ही है सयाद कफस और आशियाने में, ये तेरा दस्तूर है और उसे मैंने बनाया। एक छोटा सा घोंसला लेकिन मैंने तिनके चुन चुन कर बनाया था, ये तेरा सोने का है लेकिन थोड़ा तेरा है और वो मेरा है, इसलिए वहां मस्ती कुछ और होती, इसलिए बाई मेरा शिवाजी ने नींद लूना रे, माता जी जी बाई ए शिवाजी ने नींद लूना रे, माता जी जी बाई शिवाजी को माँ झुला रही है शुद्धों की बुद्धों की निरंजनों की संसार माया परि वर्ग को। राम लक्ष्मणी बात रे शिव राम लक्ष्मणी पारने पौड़ी साबड़ी तीन राम लक्ष्मणी बात रे शिव राम लक्ष्मणी। माता जी ने मुख दे दी थी पूरी यही उम्र ए माता जी ने सौराष्ट्र की गुजराती अपनी अपनी सब बोलियां अद्भुत है सर, कितनी बोली का सब आ गया ऐसा समझ लो भारत, लेकिन अब राष्ट्रभाषा का ही अपनी हिंदी भाषा जो है, व्रज में भी व्रज की अपनी बोली, हमारे बिहार की अपनी बोली, मैथिली बोली। ओ पहुना मिथिला में रहुना, ओ पहुना मिथिला में रहुना, ओ पहुना मिथिला। सिया स्वामी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, ये बिहारी बोली, बड़े बड़े नाम अच्छे, बिहारी के नाम बहुत बड़े बड़े होते, बंबई वालों के नाम इतने बड़े नहीं, क्योंकि इतना नाम बोलने का टाइम नहीं इतना, इतना बड़ा बोला तब तो टाइम चुक जाए, लेकिन और परंतु के नाम बड़े बड़े लंबे हो, बंबई में इतना नहीं, बस टीनून छीनून मीनून बस इतना, क्योंकि बस चुक जाएगा इतना लंबा बोलेंगे तो बस चली जाएगी ट्रेन चलेगी, इसे बहुत छोटे बंबई वाले हमारे बहुत चतुर होते। एक भाई के घर नया टेलीफोन आया तो किसी ने पूछा भाई टेलीफोन, बोले हाँ नया आया है चेंज हुआ नंबर, तो बोले क्या नंबर आया, बोले 3-4-2-0-1-0-0, उसने लिख लिया 3-4-2-0-1-0-0 और चलने चल दिया उसने, तो वो टेलीफोन धारक ने कहा कि मर्म समझे आप, बोले इसमें क्या टेलीफोन नंबर इसमें क्या मर्म है, बोले नहीं 3 का मतलब है हम तीन भाई, वी आर 3 फिर 4-2-0 तीनों, हम जानो बापा हम जानो, तीनों 420 है, तीनों ऐसा धंधा करते हैं, कोई ये करता है कोई ये करता है कोई ये करता है, 3-4-2-0 तीनों 420 और 100 शत प्रतिशत 100% त्रणे 420। ब्रज भाषा लीजिए, मक्खन की चोरी चोर कन्हैया मैं समझाऊं तो भी, मक्खन की चोरी चोर कन्हैया मैं समझाऊं तो, क्योंकि बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को घर घर चर्चा हो, बड़ो नाम तेरे नंद बाबा को घर घर चर्चा हो, मक्खन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं
की चोरी चोरी। अवधी भाषा हर हमारे प्रांतों की, कभी सभी प्रांतों की, लेकिन अब अपनी जो हिंदी भाषा है अंत में उसका कैसे आऊं जमुना के तीर, कैसे आऊं जमुना के तीर, पांव पड़ी जंजीर, पांव पड़ी जंजीर, पांव पड़ी कैसे आऊं जमुना के तीर, कैसे आऊं जमुना के तीर, कैसे आऊं जमुना के तीर, कैसे आऊं जमुना के तीर। अषाढ़ उचारम मधुर मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नाल ही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी, अब गोकुल आवो गिरधारी, अब गोकुल आवो कैसे आओ भाषाओं का बहुत आदर करो बाप, इसलिए मैं चला था। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। वाह गुरु 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 ये थी कि मुक्ति तो मिलने वाली है, मस्ती चाहिए। इसलिए है मंत्र वशीकरण, पति को कैसे वश किया जाए, क्या सवाल उठा है। वो सवाल पहली बार है वो झाटली के था। जय हो, है मंत्र बाप, है सब व्यवस्था है शास्त्र। प्रेमणानुवृत्त्या शीलेन, श्रीमद्भागवत प्रेमणानुवृत्त्या शीलेन, भागवतकार के प्रश्रया वनता सती धिया ह्रिया च भावग्ना भर्तुः सीता हरन मनः। नवमस्कन जहाँ राम कथा का विराम देते हैं भगवान सुखदेव जी, वहाँ कहते हैं कि जानकी जी राम जी के संग कैसे रहती थी और राम का मन उसने कैसे वश कर। भर्तुः सीता हरन मनः, पति ने जानकी ने अपने भर्ता के मन को कैसे वश कर लिया था, उसके लक्षण बताए। प्रेमणानुवृत्त्या, इतना प्रेम से पति के साथ रहती थी कि इस प्रेम के कारण राघव उसके अधीन हो, अनुवृत्त्या उनके उनका अनुगमन उनकी सेवा में लगी थी, प्रभु उनके अधीन हो गए। शीलेन, अपने दिव्य चरित्र से, अपने दिव्य शील से, गुण से भगवान को वश किया था। अपने बाप के द्वारा माता पिता के खानदानी से मिला हुआ विवेक से पति को वश किया था। अपनी बुद्धि से धिया, अपनी लज्जा से हिरिया, अपनी बुद्धि अपनी लज्जा से अपनी मर्यादा से वश किया था। भर्तुः सीता हरन मना,
शील से, प्रेम से, सेवा से, अपने विवेक से, अपनी मर्यादा से और अपनी प्रज्ञा से पति क्या परमेश्वर भी वश हो जाता है, परमात्मा भी आदीन हो जाता है। तो प्रश्न बड़ा सुंदर, बस यही मंत्र का पाठ करो, केवल पाठ ही नहीं उसका आचरण भी हो जाए। अब तुम्हारे मन में तर्क ये उठेगा कि पति शराब पीता हो तो, पति मारपीट करे तो हाँ कहीं वाहड़ा ओछा नहीं पाचा, तो हमारे एक बाजू नहीं क्या होना। रविंद्रनाथ टैगोर जा रहे थे ट्रेन में, तो उसने बैठे थे तो सब स्टेशन गिने जितने जितने आते थे, तो जब उतरे स्टेशन पर जहाँ, तो क्राउड लोग उसको रिसीव करने आए, प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम किया सबने, तो फिर कहा कि बाबा आपका यात्रा तो ठीक। बोले हाँ ठीक रही, ऐसे तो समय बीत गया क्योंकि मैं स्टेशन गिनता आया कि ये स्टेशन ये स्टेशन। तो एक देहाती आदमी ने पूछा कि इतने ही स्टेशन आए थे, हमारा गांव भी तो लगता है बीच में उसी ट्रेन में। तो बोले मैंने तो उसी साइड में जो स्टेशन आए वही गिने उस तरफ। साधु तो वो है जिसको दोनों साइड के स्टेशन गिनने पड़ते हैं, एक साइड का स्टेशन नहीं। बनने ने क्या मुझे भाई, तुम शराब पियो, तुम भटकते भटकते घर जाओ और घर की देवी के साथ दुर्व्यवहार करो, उसको अपमानित करो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम्हें कैसे, तुमको शील से रहना चाहिए, तुम्हें भी प्रेम और आदर के साथ रहना चाहिए। हमारे घर में लक्ष्मी है, हमारे घर में देवी है, ये लेडीज फर्स्ट जो है वो पाश्चात्य जगत का जो हो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे देश की ये सभ्यता है। भवानी शंकरो वंदे, शंकरो भवानी वंदने हम नहीं कहते, भवानी शंकरो वंदे। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, सीता को पहले रखते हैं हम, भवानी को पहले रखते हैं हम, राधा को पहले रखते हैं। ये हमारे देश का मात्र शक्ति का महिमा है, उसका भी आदर करना पड़ेगा। ये किंकरी छे गुलाम है, अबे तो जाने कोई नो हाल तो नहीं, बाकी नहींतर तो केवा घर में आवे तो जाने हम नहीं। तुम्हारे घर की गृह लक्ष्मी है तो उसका आदर करो, ये शक्ति है। क्षमा रूपेण, शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, न जाने उसको कितने कितने रूप से भारतीय मनुष्यों ने देखा है। भरतुहु सीता हरन मनः, तो ये बात है दोनों पक्ष को लागू होती है। इस तरह इस ढंग से उसको लें। तो जिस राक्षसी हाथों ने, जिस इन बड़े बड़े लंबे हाथों ने जो समर्पण की दीक्षा संसार को देनी चाहिए, वो संसार की बहन बेटियों का अपहरण करने लगा था वो रावण। इसलिए वो रावण को गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि रावण सो राज रोग बाढ़त विराट ऊर। विराट के अंतःकरण में रावण रूपी एक रोग प्रकट हो गया था और इस रोग के शमन के लिए श्री हनुमान जी रस वैद्य के रूप में आए। तो वैद्य वो है जो सामने वाले का हित करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए, स्वस्थ करने। वैद्य कभी कभी अंगुली काट देता है तो वो हिंसा नहीं है, पैर काट देता है ऑपरेशन में तो वो हिंसा नहीं है, वो उनका कल्याण है। और इसीलिए देश की नीति है कि धर्मगुरु यदि संसार को साफ साफ न कहे, भय और प्रलोभनों से जो उसकी खुशामत करे तो धर्म को हानि होती है, वैद्य यदि मरीज की खुशामत करे और साफ साफ न कहे तो उनके शरीर की हानि होती है, और सचिव लोग यदि अपनी सत्ता को साफ साफ शब्दों में न कहे और खुशामत करे तो राष्ट्र को हानि हो जाती है। इसलिए वैद्य का जो कर्तव्य है वो श्री हनुमान जी निभाने आए। लंका की खरल में सुवर्ण भस्म बनाने के लिए, मृगांक रसौषधि निर्माण करने के लिए श्री हनुमान जी का आगमन हुआ है, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा रोग सिद्ध हुआ है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, विनय पत्रिका में लिखा है कि मोह दशमौली, रावण मोह है, और उत्तरकांड में लिखा है मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही समस्त व्याधियों का जनक, मोह ही समस्त व्याधियों की बुनियाद है, भूमिका है, प्रसूता है। तो रावण एक रोग है, और ये रोग क्यों है
ये रोग के कारण क्या है, इसके लिए वेद को पूछना पड़ेगा। तो आइए आज की कथा का आरंभ वेद घोष से करें। वेद का नाम है सामवेद। सामवेद का ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। सामवेद, भगवान सामवेद कहते हैं कि इस संसार में चार सेतु दुस्तर है, उसको तैरना बहुत कठिन। लंका में रामेश्वरम से लंका तक एक सेतु बना था, वहीं से राम गए, वहीं हनुमान जी उड़ान भरकर गए। विभीषण आया था विमान बनाकर, विमान लेकर के, लेकिन एक सेतु, ये सेतु यदि बन गया और रावण ने सुना कि समंदर बंध गया, उसी समय और बात न करता और उसी सेतु से माध्यम से राम के पास आ जाता तो घटना कुछ और घट जाती। लेकिन रावण के लिए ये सेतु दुस्तर सिद्ध हुआ। जिस सेतु एक बंध जाने के बाद, एक ब्रिज बन जाने के बाद चींटी भी पार हो जाती, वहां रावण पार नहीं हो पाया। आदमी का दुर्भाग्य देखिए, एक चींटी भी, बड़ी बड़ी कारें चली जाए और चींटी भी अपनी गति से देर लगती है लेकिन पार हो जाती है। सेतु रघुनाथ जी ने बना दिया था कि रावण आ जाए, ऐसे तो नहीं उड़ान नहीं भर, वैसे तो बहुत उड़ता था लेकिन मेरे पास आने की उड़ान उनके पास नहीं है, हराम के पास जाने की उनकी उड़ान है। कुबेर का धन लूटने के लिए उड़ान करता है, अपने गुरु के स्थान को हिलाने के लिए कोशिश करता है, सबके सौंदर्य लूटने की उड़ान तो बहुत भरता था आदमी, लेकिन उड़ान राम की ओर होनी चाहिए तो वो तो नहीं कर सकता था। राम जी ने सोचा कि सेतु बांध दे, भगवान राम चाहते तो पूरी सेना को ऐसे ही पार कर देते, ले जाते, लेकिन सेतु बनाया कि शायद सेतु देखने के बहाने भी रावण आ जाए। प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे प्रभु कि रावण को भी हम क्यों कुछ करें, यदि वो आ जाए तो कुछ मुझे करना है। लेकिन रावण के लिए ये सेतु दुस्तर था। भगवान सामवेद कहते हैं कि चार सेतु ऐसे लोगों के लिए दुस्तर है, तैरना मुश्किल है। चार वस्तु गिनाई वेद ने। पहला लोभ, दुस्तर है तैरना। दूसरा क्रोध, तीसरा अश्रद्धा और चौथा असत्य। ये चार सेतु भगवान वेद ने निर्माण किए। और रावण जैसे बीमार लोगों के लिए ये चार सेतु को तैरना, लोभ को पार करना कठिन है, क्रोध को पार करना कठिन है, अश्रद्धा को पार करना कठिन है और असत्य को पार करना कठिन है। रावण के लिए चार दुस्तर सेतु थे और यही हम सबकी बीमारी है। क्रोध हम सबकी बीमारी है, हम शांत नहीं रह पाते, उलझ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे वो उनकी बात है, हमें क्या लेना देना, वो उनके मुंह की बात है, उनके सोच की बात है, उनके खानदान की जो विचारधारा है उसके मुताबिक बोलता है, हम उसमें क्यों उलझे, शांत रहें। लेकिन ये क्रोध को बड़ा दुस्तर सेतु माना। सब सुनी कपि बचन बहुत खिसी आना, आदमी तैर न पाया, एकदम क्रोध में आया। एक दुस्तर भयंकर सेतु है, आदमी पार नहीं हो पा रहा, वरना सेतु है बड़ी सुविधा लेकिन नहीं पार कर सकता। तो क्रोध, अश्रद्धा, असत्य और कृपणता, लोभ। लोभ के सेतु को पार करना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल पड़ता है। अश्रद्धा और असत्य, तो इन चार सेतुओं को कैसे पार किया जाए, व्यवस्था बताई कैसे पार करो। तो पहला सूत्र दिया, लोभ को दान से पार करो। दान करके कृपणता के सेतु को पार कर लो, दुस्तर को तैर जाओ। अश्रद्धा को श्रद्धा से पार कर दो, असत्य को सत्य से पार कर दो, क्रोध को क्षमा से पार कर दो। वेद कहता है, बिल्कुल छोटे छोटे सूत्र, कितनी अद्भुत विराट बात है। इसी भाव का वेद मंत्र आप सब बोलिए।
सेतुस्तर 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 दुस्तरान 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 दानेन 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 अदानम 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 तो अदान को यानी कृपणता को दान से पार दुस्तरान है ये, लेकिन कृपणता को दान से उदारता से उसको पार कर, उससे उससे आगे निकल जाओ। अक्रोधेन 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 क्रोधम 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 श्रद्धया 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 अश्रद्धां 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 सत्येन 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 असत्यम 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 एषा 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 गति ही गति ही गति ही गति ही गति ही गति ही एतदमृतम 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 स्वर्गच्छ 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 ज्योतिर्गच्छ 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 सेतुस्तर 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 चतुरः 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। भगवान सामवेद, हमारा तुम्हारा लोभ एक दुस्तर सेतु है, रावण के जीवन में दिखाई देता है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, इतना उनके पास। आप सोचिए मेरे भाई बहन कि जिसके नगर का कोट किला दुर्ग सोने का हो, उनके घर सोने के हो, उनके बर्तन सोने के हो, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी आदमी जब भी किसी की संपदा देखता है और अपने राक्षसी हाथों से अपहरण करने लगा, अपने भाई कुबेर का पूरा धन भंडार पुष्पक में भरकर लूट कर अपने घर में लिया, क्योंकि लोभ के आदमी तैर नहीं पाया। और लोभ के इस विराट वस्तु को तैरने के लिए एक ही उपाय है कि व्यक्ति दान करे। एन केन विधि दिन्ने दान किए कल्याण, व्यक्ति उदार हो और पैसा हो तो पैसे का दान करें ठीक है, लेकिन जो यहां अभी भी चर्चा होती, प्रेम का दान करो, करुणा का दान करो। हम भी गा ले एक पंक्ति बाबा जी। हाँ चलो। मैत्री भाव भरेला गुणजन देखी भैयू मार भैयू मारू करे
शांति ओम शांति शांति शांति। भगवान सामवेद, हमारा तुम्हारा लोभ एक दुस्तर सेतु है। रावण के जीवन में दिखाई देता है, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, इतना उनके पास। आप सोचिए मेरे भाई बहन कि जिसके नगर का कोट किला दुर्ग सोने का हो, उनके घर सोने के हो, उनके बर्तन सोने के हो, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी आदमी जब भी किसी की संपदा देखता है और अपने राक्षसी हाथों से अपहरण करने लगा, अपने भाई कुबेर का पूरा धन भंडार पुष्पक में भरकर लूट कर अपने घर में लिया, क्योंकि लोभ के सेतु को ये आदमी तैर नहीं पाया। और लोभ के इस विराट वस्तु को तैरने के लिए एक ही उपाय है कि व्यक्ति दान करे। एन केन विधि दिन्ने दान किए कल्याण, व्यक्ति उदार हो और पैसा हो तो पैसे का दान करे, ठीक है, लेकिन जो यहां अभी भी चर्चा होती, प्रेम का दान करो, करुणा का दान करो। हम भी गा ले एक पंक्ति बाबा जी। हाँ चलो, मैत्री भाव पवित्र शुभ था सकल विश्व भाव थी भरे भैयू मारू भैयू मारू ये संतोना चरण कमल माँ ये संतोना चरण कमल माँ मुझे भैया
भाई का दान, शिक्षा का दान। अरे तो कोई कुछ दान में कथाओं में अक्सर एक व्रत व्यक्ति को लेना चाहिए कि रोज हम कुछ दान करेंगे। पैसा हो तो पैसा दान करें, ना हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे साहित्यकारों हमारे सौराष्ट्र मैम के दान तो रुपया हो ही करे, बाकी चड्डी पेरी फर तो बेचारो हूँ करे दान। चड्डी पास हम बटन वाली हो तो बांधो नहीं, ऊपर दोरी बांधी हो, ये बेचारो क्या दान करवा जाए। तो मनोभाव का दान, प्रेम का दान, करुणा का जो संपदा हमने पड़ी, कृपणता को दान से तरो और क्रोध को क्षमा से तरो, क्षमा करो। सूफी संत हुआ बाईजीद, उसका संस्मरण में पढ़ रहा था। बाईजीद का बड़ा अच्छा मस्त आदमी हुआ, वो बैठा था, उसकी कुटिया की बगल में दो पांच शराबी रहते थे, और शराबी ही नहीं, ताश खेलते थे, लूट करते थे, हर प्रकार के दुर्गुण उनमें, और हल्ला गुल्ला रात भर लगाते, और इनकी बंदगी में बाधा होती थी। बाईजीत को 6 महीना तो बामुश्किल बिताए। 6 महीने के बाद वो बाईजीत अकुला उठा, फिर खुदा के ऊपर हाथ उठाया प्रभु की ओर और कहा कि हे भगवान, अब हद से बाहर है, बर्दाश्त होने की भी कोई सीमा होती है। ये मेरे चारों ओर मैं भजन करने वाला आदमी और ये मुझे इतना परेशान कर। तब ऊपर से आवाज आई कि मैं उनको कितने जन्मों से सह रहा हूं, तू थोड़ा सह लेना भाई। इतने में उब गया, अभी 6 महीने मैं 600 जन्म से उसको भोग रहा हूं, इतना नहीं उठा, मैंने माफ कर दिया, तो बाईजीत तू भी माफ कर। और एक नई प्रभात, एक नया सूरज किरण बाईजीत ने अपनी डायरी में लिखा कि मेरे जीवन में एक नई रोशनी आ गई कि हम क्षमा से जीते। गुरु नानक देव के सामने मार मार करते लोग जाते थे, आंख से क्षमा भाव निकलना था, और केवल गान करके उसको संबोधन कर देते थे, छेड़ मर्दाना, और बात समाधान हो जाती थी। क्रोध के दुस्तर सेतु को क्षमा से जीतो। रावण क्षमा नहीं कर सकता है, बड़ा आक्रामक आदमी है, उनमें क्षमा भाव नहीं, बार बार गिरता है, बार बार पतन उसका उसका तेजोवध होता है, लेकिन इस आदमी में क्षमा, क्षमा का अंतरंग गुण नहीं उठता है, इसलिए क्रोध को जीत नहीं पाया, क्रोध को तैर नहीं पाया। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, दुस्तर सेतु को पार न कर पाया आदमी। चाहता तो बाणों के माध्यम से आसमान में बाणों का सेतु बना सकता था, इतना धनुर्धारी और धनुर्विद्या पाया हुआ आदमी था, लेकिन रघुनाथ जी ने कृपा करके सेतु बना करके उनके नगर के बाहर रख दिया, लेकिन उसको नहीं तैर पाया यह आदमी। तो लोभ को उदारता से तरो, क्रोध को क्षमा से उसको जीता जाए, और अश्रद्धा को श्रद्धा से। किसी में तुम्हारे प्रति अश्रद्धा हो तो उनको भी श्रद्धा से देखो, ये आंख चाहिए। महाराज श्री बार बार दो दिन से मैं उसको कल रात भी बोले टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है, ऐसा कहते रहे। छोटी सी जिंदगी है, उसमें कर लो कि किसी को देखो श्रद्धा से, देखो एक भाव से देखो। तुम्हारे प्रति कुभाव हो तो भी वो ये उनकी दुकान का मामला है। केरोसिन बेचने वाला घी नहीं बेच सकता। तुम कहो कि केरोसिन मिट्टी का तेल बेचने वाला मुझे घी दे तो ही गए, क्योंकि घी और घासलेट बेगाना था। तो कोई तुमको गालियां दे तो सोचना कि उनकी दुकान में जो माल है वो दे रहा, मुझे सब चीज खरीदनी है, ऐसा कोई लिखावटी हुई है, हमको नहीं लेना है। रख तेरा ग्राहक दुकानदार से कोई चीज वो देने आए तो भी न ले तो क्या उड़कर तुम्हारे पास आ जाती है, उनकी दुकान में ही रहते। तो गालियां दे उसको, कहो कि आपने तो दिया लेकिन हम लेने वाले नहीं, तो गालियां उनके पास जमा हो जाएगी। उलझो क्यों, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है बाप। लोग गालियां देंगे, ये संसार है, ये तो बहुत कुछ करेंगे, उसी समय तुम
ये तुम्हारा माल नहीं है। हम जाएगा हम जे नहीं आ जनावर जेवी जात। अखाने बहुत सुंदर बात कही, हम जाएगा हम जे नहीं जनावर जेवी जात। अखो कहे इन चिंता न कराई, ये थोड़ी से आपड़ी नाथ, ये आपड़ा थोड़ा से, ये तो विदेश बाहर ना छे, बीजी भूमिका ना छे, दूसरे चिंतन की बात कर रहे हैं, जो निंदा में डूबे हैं, हम क्यों उसमें उलझे कोई कुछ कहे। मैंने आपको कई बार कहा कि दो कुत्ते दो आदमी लड़ते हैं बाजार में, और तुम पांचवी मंजिल पर हैं और तुम खिड़की से कुछ बाजार देख रहे थे, ऐसे ही देख रहे, और उसमें आपने देखा कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो पांचवी मंजिल से नीचे उतरने की तुमको जरूरत नहीं, कोई निकलेगा उसको छुटा कर, तुम्हारी ऊंचाई तुमको छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई दो गालियां दे तो तुम पांचवी मंजिल पर हो, वहीं से उतरने का श्रम मत करो। कोई कुछ भी कहे, ये समय बहुत कम है, अवसर हे वल्लभ गुण गावा ने गा, वल्लभ गुण अने अवसर फिर नहीं आवे आवा, अवसर फिर नहीं आवे आवा, वल्लभ गुण ए वल्लभ गुण। हरि भजनो समय है, राम भजनो बाप, फिर मौका मिले न मिले, हे वल्लभ गुण गावा में, हे वल्लभ गुण। नानक देव फरमाते हैं, तेरी बीती जाए उमरिया, जाए उमरिया, तेरी जाए उमरिया, तेरी जाए उमरिया। हरि नाम बिना हरि सुमिरन कर ले मेरे मना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तो ये अवसर कहाँ मिलेगा फिर, वर्तमान में जी लो। किसी ने दो दो बात कह दी तो कह दी, उनकी बात है, वो सोचे, हमको लागू न पड़े तो हम क्यों उसमें उलझे, जो कहे सो कहे। सत्संगी ने एटलो के आनंद मा रहूं रे, समरवा श्री हरि ने कोई ने काई नो कहूं रे, बापा तुम्हारे जैम करो एम करो, मारा हरि भजन में विघ्न न करो, बाकी तुम लूटी लो। अनुभवी ने एटलू आनंद मारे, दुनिया तो इन्हें क्षमा करो। जीसस ने कहा कि मुझे शूली पर चढ़ाने वालों को क्षमा कर देना, उसको पता नहीं है, उसको जानते नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, बेचारे क्या करे, वो मूढ़ हो गए, उसका कोई दोष नहीं, क्राइस्ट ने कहा, वो अपना सदगुण चुक गया। जीसस का एक बहुत सुंदर वाक्य है कि नमकीन में से जब नमक चला जाए तो फिर दुनिया की कौन चीज नमकीन बनेगी, नमक से यदि नमकीन वस्तु चली जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज नमकीन, वैसे व्यक्ति में से सद्गुण चला जाए तो फिर व्यक्ति पर दया करनी चाहिए, कि क्षमा करनी चाहिए कि अपनी दैवी संपदा गवां, निर्धन हो गया बेचारा, भिखारी हो गया, एक एक स्ट्रीट बेगर हो गया, बिल्कुल
एक कंगाल हो गया, भीख मांग रहा है इधर उधर, क्षमा करो। भगवान बुद्ध बैठे थे और एक आदमी आया, उस पर थूक दिया, दूसरी बार थूका, तीसरी बार थूका, बुद्ध बैठे थूक दिया, गाली तो दूर की बात, आकर थूका और वो भी बुद्ध पर, और उनके 500 शिष्य बैठे थे, हमारे सदगुरु पर थूक दिया, एकदम वो होने लगे, लेकिन बुद्ध अपनी बस्ती में बैठे, कोई बोले नहीं, कुछ नहीं। दूसरे दिन फिर वो आया, लेकिन आज आंख में वो कुछ और भाव लेकर आया, बुद्ध के पैर में पड़कर कहा कि क्षमा करना, मैंने कल आप पर कुछ थूक दिया था, क्षमा करे। बोले कल वाला तू कहाँ है, आज तो तू दूसरा आ गया, कल वाला आता तो क्षमा करता, लेकिन कल वाला तू नहीं, आज तो तू बदल कर, और कल वाला बुद्ध भी नहीं है, आज बुद्ध भी बदल गया, यहाँ तो प्रतिक्षण जीवन चला जा रहा है, तो कल तू कल वाला ही होता तो आज भी थूकता, लेकिन आज तो तू क्षमा मांग रहा है, इसलिए तू बदल गया है, और मैं कल वाला, मैं आज एक कदम और बढ़ गया। साधु यही देखता है, कोई गाली दे तो सोचता है, मैंने आपको वो फकीर की कथा सुनाई कि फकीर यही सोचता है संत कि आज मेरी ये भी जरूरत होगी, ये भी जरूरत है। बिंबिसार ने कितने स्वर्ण से मढ़े हुए रत्न दिए बुद्ध के चरण में, मार्मी थे, राजकुमार थे बुद्ध, सायंकाल को ढेर हो जाता था समृद्धि का बुद्ध के सामने, और फिर सायंकाल को जब बुद्ध उठते थे तो कहते थे जिसको जरूरत हो बुलाकर बांट दो, जिसको जो चाहिए ले जाए, तो सब जरूरतमंद ले जाते थे। एक चोर को पता लग गया कि बुद्ध के पास जो एकत्रित होता है सायंकाल को जरूरतमंद को दे देते हैं, तो चोर गया, उसने कहा मेरी ये संस्था है, मेरा ये फला है, मेरा ये फला है, मुझे दे दो। बोले जरूरत तो ले जा, ले गया और ले जाकर शराब पीने लगा, ये बलग गलत ढंग से सब, और बुद्ध के शिष्यों को अच्छा नहीं लगा कि कैसी भी कमाई, लेकिन संत के चरण में आ गई थी तो पवित्र हो गई थी, और इस पवित्र धन को ये शराबी ऐसे कर रहा, शर्म आनी चाहिए तुझे। पकड़ करके बुद्ध के पास ले गए कि उसने झूठ बोलकर आपसे पैसा ले गया, और ये शराबी तुम्हारे सामने झूठ बोला है बाबा, हम उसको मारे। बुद्ध ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि उसका दोष नहीं है, दोष अभी मेरे भजन का है, वरना मेरे सामने आकर झूठ बोल कैसे सकता, अभी मेरी तपस्या में कोई कमी है, अभी मेरी साधना में मैं कमी है, तुम यहां रहो, मैं और 6 महीने के लिए जा रहा हूं तपस्या के लिए, क्योंकि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, मेरे पास आने वाला झूठ कैसे बोल सकता है, यदि उसने बेईमानी की है कुसूर उनका नहीं, कुसूर मेरी भजन का है कि अभी मेरे में कुछ कमी है। साधु ये सोचता है, कोई दो गाली दे तो सोच लेता है। हमारा नरसिंह मेहता कहता है एवा रे हमें एवा रे, तमे कहो छो वड़ी तेवा रे, भक्ति करता जो भ्रष्ट थईशु तो करीशु दामोदरनी सेवा। नरसिंह मेहता ने कोई कहतू के भाई तमारे बदे बहु टीका करे छे, नामा पछी भगत ओछा थई जशे, तो को मारे करवू छे जी कि भगत ओछा थई जाय, एकांते सुखमास्यताम अरतीर जन संसदी, भीड़ से बचना है, भजन ज्यादा हो जाए। क्रोध को क्षमा से तरो, लोभ को उदारता से दान से तरो, अश्रद्धा को श्रद्धा से तरो, आदौ श्रद्धा। मुझे बहुत प्रिय वाक्य, मुझे कुछ टुकड़े वेद से लेकर मानस तक, कबीर और संतों की बोली तक जो कुछ टुकड़े प्रिय हैं, इनमें एक टुकड़ा है आचार्य चरण मधुसूदन सरस्वती, आदौ श्रद्धा। कई संतों ने उसी पाठ उठाया है अपने अपने ढंग से, फिर आगे के क्रम में थोड़ा परिवर्तन, बाकी आदौ श्रद्धा, मूल श्रद्धा। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि विश्वास सब पर रखना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा की संपदा अध्यात्म में, बाकी तो सबको अच्छी दृष्टि से देखो, लेकिन अध्यात्म जगत में श्रद्धा केवल एक पर रखो। विश्वास सब पर रखना पड़ता है, इसके बिना व्यवहार नहीं चलता। तुम्हारे ड्राइवर पर तुमको विश्वास रखना पड़ता है, रखना पड़ता है ना, खबर नहीं क्या क्या कर दे तो रखना पड़ता। मैं किसी ड्राइव, मुझे तो बैठना ही होता है ना, गाड़ियां बदलनी होती है मुझे तो, खरीदे को लहर में करी। मैंने कोई पूछे ड्राइवर के बाबू धीमी चलाए, तो मैं कहता जरा स्पीड में चलाओ,
वधारे में वधारे कहूँ त्रण हनुमान चालीसा चला, त्रण हनुमान चालीसा वाणी 120 स्पीड। પછી ઘણા મને પૂછે કે સ્પીડથી ચલાવવું એટલે એમાં કાંઈ ધ્યાન રાખવાનું, બે ત્રણ ધ્યાન રાખવાનું, ગાડી સ્પીડમાં ચાલવી જોઈએ, એક બીજું અકસ્માત ન થવો જોઈએ, બે ત્રીજું સમયસર પહોંચાડવાનું, ત્રણ અને ચોથું મારે જ્યાં જવું છે ત્યાં પહોંચાડવાનું, ઉપર નહીં, આ ચાર ધ્યાન રાખવાનું, નહીંતર તું ટર્મ ઉપર પહોંચાડી દે એમ નહીં, ધ્યાન રાખ। મને બહુ મજા આવે, નવું નવું ડ્રાઇવિંગ બધા કરતા હોય, હવની સ્ટાઇલ જુદી, હું એકલો બેઠો બેઠો મારે માઉન હોય લેર કરતો હું, કહેવાનું કહેને કે મેરા મતલબ યે હૈ મેરે ભાઈ બહેન કે વિશ્વાસ હર આપ આપ ઓર હમારે જીવન કા યે મામલા હૈ, કોઈ ઉપદેશ નહીં, હમારે ઘર ઘર કી બાત હૈ, જન જન કી બાત, વિશ્વાસ સબ જગહ પર રખના પડતા હૈ, ડ્રાઇવર પર રખના પડતા હૈ, ફેમિલી ડોક્ટર પર રખના પડતા હૈ, અરે રસોઈ કરને વાલો પર રખના પડતા હૈ, જો હો ઉસ પર વિશ્વાસ ન રખો તો ક્યાં સે ક્યાં કર દેતો, રસોઈ કે પાસ હર વ્યક્તિ કે, લેકિન શ્રદ્ધા તો કેવલ અપને સદગુરુ ઓર પરમાત્મા મે હી લગાઈ જાય, શ્રદ્ધા કે કેન્દ્ર હર નહીં, શ્રદ્ધા પાર્વતી હૈ, પાર્વતી ભટક નહીં સકતી, શિવ તો ફકીર હૈ, હર જગહ જા સકતા હૈ, એ તો ભોલેનાથ હૈ, એ તો બાબા હૈ, દિગંબરી હૈ, લેકિન પાર્વતી તો એક શક્તિ હૈ, દુર્ગા હૈ, ઉનકી મર્યાદા હૈ, એ કોઈ હર જગહ ભટક, ભવાની શંકરો વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણો, ભવાની શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા તો એક સદગુરુ હૈ, આદૌ શ્રદ્ધા બહોત મહત્વ કી વસ્તુ હૈ। तो अश्रद्धा को श्रद्धा से जीतो, उसको तैरो, और सत्येन असत्यम, असत्य को सत्य से तरो। रावण के पास सत्य नहीं है, रावण के पास श्रद्धा नहीं है, रावण शिवजी की पूजा करता है, विश्वास तो है, शंकर की पूजा करता है, लेकिन शंकर के विश्वास के रूप की पूजा नहीं करता, शिव का एक दूसरा भी रूप है, अहंकार शिव बुद्धि अज, शंकर के अहंकार वाला रूप की पूजा करता है आदमी, और श्रद्धा में तो उनकी जरा भी रुचि नहीं है, इसलिए आदमी और असत्य है, इसलिए तो हनुमान जी उसको कहते थे राम नाम बिनु गिरान सोहा, चारी जागी मदनोहा, राम नाम बिनु ज्ञान सोहा, चारी जागी मदनोहा, जागी शास्त्रों में आया है, जिसमें श्रद्धा, जिसमें क्षमा, जिसमें सत्य और जिसमें औदार्य होता है, उनके शरीर में उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है, मानसिक परिवर्तन तो आएगी लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है। वर्ण प्रसाद शास्त्र के वर्ण, उसका वर्ण बदलने लगता है, जिसमें यह आ जाता है श्रद्धा, जिसमें आ जाती है सत्य, जिसमें आ जाता है उदारता क्षमा, उसका वर्ण का, उसका रूप, उसका जलवा कुछ बदल जाएगा। क्यों महापुरुष जितने जितने संत हुए हैं, भगवान महावीर दिगंबर बैठे हैं लेकिन कितने दर्शनीय लगते हैं, कितने मधुर और प्यारे लगते हैं, एक एक वर्ण प्रसाद पैदा हो जाता है उसके जीवन में, स्वर सौष्ठव आ जाता है, जिसमें श्रद्धा सत्य उदारता और जो ये सब आ जाते हैं, क्षमा आ जाती है, उसके स्वर में प्रौढ़ता आ जाती है, भरा स्वर हो जाता है, टंडाल हल्का नहीं, पुअर नहीं, एक एक बड़ा बड़ा प्रभावक स्वर। इनकी बाणी कोई कोई ऐसे ही कान में भनक पड़ जाए तो नेत्र में आंसू आ जाए, आया है उनकी बाणी आई, लो आ गई उनकी याद, ऐसी स्थिति
कहने का मेरा अभिप्राय, वर्ण प्रसाद उत्पन्न हो जाता है स्वर एक अपने आप देखिए, आप भजन गाते होंगे, आपका भजन, आपका सत्य, आपकी श्रद्धा जैसे जैसे बढ़ेगी तो आप एक दो साल में पाओगे आपके आवाज में कुछ गंभीरता है। अर्जित नहीं करना पड़ता, अपने आप आपको लगेगा कि कुछ घटना घट रही है, कुछ विकास हो रहा है। ये दूसरा लक्षण, बड़ा प्यारा लक्षण है, बड़ा अद्भुत लक्षण है। ऐसा परिवर्तन होने लगेगा, शरीर में एक गंध आएगी, एक खुशबू पैदा होने लगी। चौथा लक्षण है लघुत्वम, शरीर हल्का होने लगेगा, लघुत्वम हो जाएगा स्वाभाविक। वो ध्यान करने बैठते ही ध्यान उसका परिपक्व हो जाएगा, एक एक लघुत्व शरीर को। आरोग्यम, अपने आप आरोग्य अर्जित होगा, बहिर भीतर दोनों आरोग्यम पैदा हो जाता। अलोलुप्तम, भजन बढ़ा, श्रद्धा बढ़ी, सत्य बढ़ा, सिमरन बढ़ा, सत्संग बढ़ा, उदारता बढ़ी तो अलोलुप्तम, कोई लालसा नहीं रहेगी, कोई लालच नहीं, तुमको लगेगा कि इतना मिल गया अब हम क्यों। ऊंट ऊंट है ना, ऊंट ऊंट पहाड़ के पास नहीं जाता तब तक अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के पास जाता है तब अपने आप को छोटा मान। इसलिए आपने आपने देखा पहाड़ी मुल्क में कभी ऊंट नहीं होते, क्योंकि वहां उसको अहंकार को खतरा लगता है कि ये कौन, इसलिए बोत लाते हैं जायद नहीं। हिमालय में ऊंट नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि उनके अहंकार को चोट लगती है कि हमसे ऊंचे, इसलिए रण में हो गए ऊंट, जहां कोई टेकरा नहीं वहां तो खुद पहाड़ है। रण जो होता है वहां तो ऊंट ही पहाड़ है, लेकिन वो ही ऊंट सौभाग्यवश, संगवश, प्रारब्धवश, किसी की करुणा के वश कोई पहाड़ के पास जाता है तो अपने आप को सदैव छोटा महसूस करता है। वैसे जीव सदैव अपने आप को बड़ा समझ रहा है, लेकिन सदगुरु के पास और परमात्मा के पास जाता है तब उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो केवल सामान्य हूं, और विनम्रता अर्जित हो जाती है, एक हल्कापन, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलोलुप्तम, अलोलुप्त भाव पैदा हो जाता है। भजन करने वालों को कोई आशा नहीं रहती बाप, ये खुद को, प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति को साधन की इस बात की जरूरत, अपने आप को अनुभव होने लगेगा, कोई जरूरत नहीं रही, ऐसा अनुभव होगा। शरीर में से एक सुगंध निकलेगी और मल मूत्र आदि कम होने लगेंगे, ऐसे लक्षण योग सूत्रों ने भी दिया है और साधना के कई प्रयोगों में भी ये सिद्ध हुआ है महात्माओं के जीवनों में। कहने का अभिप्राय, रावण इन चार बातों को समर्थ होता हुआ भी तैर नहीं पाया। लोभ का सेतु, असत्य का सेतु, क्रोध का सेतु और अश्रद्धा का सेतु ये आदमी नहीं पार कर पाया, इसीलिए रोगी है। और इस रोग, ये विराट के ऊर का रोग है, गोस्वामी जी कहते हैं रावण सो राज रोग बाढ़त विराट ऊर। इस विराट के अंतःकरण का रावण बड़ा रोग है, और इस रोगी को रोग से मुक्त करने के लिए श्री हनुमान जी रसवैद्य के रूप में लंका में सुवर्ण भस्म बनाने के लिए आए हैं, मृगांक औषधि निर्माण करने के लिए आए हैं, रस रूप हैं, भक्ति सभर महापुरुष है, प्रेम रस लेकर आए हैं, इसीलिए लंका दहन की कथा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज के लिए रावण ने जब आदेश दे दिया कपि के ममता पूछ पर सब ही बंदर को पूछ पर ममता होती है, दशानन ने कहा। और कल सूत्र के रूप में भी हमने समझ लिया कि व्यक्ति कोई संत को, कोई महापुरुष को परेशान करना चाहती है तब उनकी ममता पर प्रहार करता है समाज। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं उसको तेल और वस्त्र को लपेट करके उसमें अग्नि लगा दो, और पूछहीन बानर
जब जाएगा और अपने नाथ को लेकर आएगा, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई करता था, उसकी प्रभुता में देख लूंगा। बाबा बोले छहीन बंदर जब वहीं जाएगा अपने नाथ के पास, रावण ये कल्पना कर रहा है, तब वो रोएगा और रो रो कर कहेगा कि आप मेरे नाथ हो और रावण ने मुझे एक अनाथ की तरह दंड दे दिया, मेरी पूंछ जला दी। अपने नाथ के पास जाएगा और उस नाथ के पास जाएगा जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा था। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचित मार, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई की थी उस आदमी ने, उसी बड़प्पन को इनके पास जाकर वो कहेगा और फिर शायद उनका नाथ कहेगा कि तेरी दशा ये किसने की। तो फिर जब उसको बात समझ में आएगी तो उनके नाथ को लेकर वो आएगा और मैं भी इतनी बड़ाई और प्रभुता की चर्चा मेरी सभा में उस बंदर ने की थी, उसका प्रभाव और वो मैं देखूं। हाँ परम पूज्य दादाजी, इसलिए एक दो मिनट। श्री वल्लभ विठल गिरिधारी में, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, श्री वल्लभ वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी की बलिहारी।
वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी वल्लभ विठल गिरिधारी यमुना जी बलिहारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरिधारी भजो राधे इतना ही कहूँगा कि ये चौथा दिन है, चौथा है ना भाई? हाँ तो अब तो इतने दिन तो कथा हमारे पास थी ठाकुर की, आज दादाजी ने ठाकुर भी दे दिया है हमें। तो आइए संक्षेप में आज के प्रसंग को हम वो करें, फिर दादाजी कुछ करें। तो दशानंद अपने मन में ऐसा सोच रहा है कि ये पूंछहीन बंदर जाएगा और अपने नाथ से कहेगा कि मैं आपका हूं और रावण ने मुझे अनाथ समझकर ऐसा दंड दिया है, और फिर जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा था ये बंदर, उसी अपने मालिक को लेकर मेरे पास आएगा, तब मैं उसकी प्रभुता देखूंगा। जब ये बात हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री हनुमान जी पर उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, बाबा बोले मन मुस्का
वाणी सुन करके श्री हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैंने आपको चर्चा हम कर रहे थे कल परसों भी कि लंका में कोई मुस्कुराना नहीं सीखा, जब तो बेह से ही एकदम अट्टहास्य के सिवा। मैं दादाजी मैं श्रीमन महाप्रभु जी को याद कर रहा कि हास्य के जो तीन प्रकार उसने दिए, एक हास्य है जो प्रसन्न कर दे, दूसरा हास्य है जो मोहित कर दे, और तीसरा हास्य जो अहंकार का वर्धक हो, जिसको तामसी हास्य श्रीमद् महाप्रभु जी ने कहा। और एक मधुर मुस्कान ऐसी होती है कि सामने वाले की कुंडली में जागृत हो जाए, उनकी दबी ऊर्जा खिल जाए। साधु कबीर की मुस्कुराहट देखिए, मेहता नरसिंह की मुस्कुराहट देखिए, कम हंसे हैं ये लोग इसीलिए कि हंस दे और आदमी की क्षमता न हो तो शायद पागल हो जाए। अधिक ऊर्जा यदि प्रकट हो जाए तो हो सकता, इसलिए मैं कल आपसे कह रहा था देखे हुआ। जो चेहरा न मुस्कुराए लेकिन आंख पर से पता लग जाएगा कि आंखें मुस्कुरा रही है। रमण महर्षि के पास जहां वो रहते थे वहां एक विदेशी फोटोग्राफर गया और वो उनके चरण की तस्वीर लेना चाहता था। तो जैसे कोई शरीर की चेहरे की तस्वीर लेता है तो कहते हैं ना जरा मुस्कुराइए ऐसा कहता है, तो आदमी फिर मुस्कुराता है और वो तस्वीर ले लेते। रमण महर्षि के पास उसने चरण की तस्वीर ली, उसके बाद वो रो पड़ा। रमण ने पूछा क्या हुआ, बोले मुझे पहली बार नजर आया कि तुम्हारे चरण हंस रहे हैं। चरणारविंद हंसते हैं और उस हंसते हुए चरणारविंद की ये करामत है, जिस नानक के चरण ने जहां भी उसको खदेड़ा हर जगह काबा का पत्थर। आंखें तो काबा को देखे लेकिन जिनके चरण भी काबा को देखे, जिधर भी नानक जी को घुमाया, ये है मस्ती, ये है ये गुरुदेव का महिमा। देखे दीवाना कर दे शायद उसको जादू आए, शायद उसको जादू आए। शाखों को तुम क्या छुआए, शाखों को तुम क्या छुआए, कांटों से भी खुशबू पानी, एक ऐसी पुण्यवान आंख, एक ऐसा निर्दोष बालकवत मुस्कान जो व्यक्ति की शक्ति को खोल देता है। कोई तो हम दर्द है, कहता है कि चलो तुमने न साथ न दिया तो कोई तो है जिसने संग कर दिया। कोई तो हम दर्द है मेरा, कोई तो हम दर्द है मेरा, आपन आए तो आंसू दिन बर सत दिन बर सत। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं
कि एक हास्य वो है सात्विक कि जीव को प्रसन्नता से भर दे। दूसरा हास्य जो आकर्षित भ्रमित कर दे, थोड़ा मोहित कर दे, रजोगुणी हास्य बताए और आदमी को दूसरी दिशा में धकेल दे अथवा तो अहंकार का वर्धन करे, वो तामसी हास्य है। लंका में कोई हंसना नहीं सीखा, रुलाने वाला ही तो रावण है और उसका नाम अब वो लंका दहन में पूरा का पूरा सार्थक करने जा रहा है। जो सबको रुलाने वाला जो है वो इस लंका दहन कवितावली में तो देखिए कितने कितने पुकार किए हैं कि क्या कर दिया इस रावण, तात मात सब पुकार रहे हैं क्योंकि रुलाने वाला सिद्ध हो, क्योंकि मुस्कुराहट आई नहीं उसको, समझा ही नहीं मुस्कुराहट को। श्री हनुमान जी वचन सुन करके मन में मुस्कुरा देते हैं। यहाँ तीन बातें आई हैं, जहाँ से इस प्रसंग का आरंभ किया है वहाँ भी वचन सुनने की बात आई है, फिर राक्षसों को आदेश मिला तो वहाँ भी वचन सुनने की बात आई, और अब हनुमान जी, लेकिन दोनों तीनों पर प्रतिक्रिया वचन की भिन्न है क्योंकि भूमिका के अनुसार प्रतिक्रिया हुई। रावण ने वचन सुना तो क्या हुआ, सुनी कपि वचन बहुत भीषी आना। रावण ने वचन सुने तो एकदम क्रोध हो गया, खिसियाना, वचन तो रावण ने भी सुने और संत पुरुष के सुने। मोह मूल बहु शूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भज गुराम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। लेकिन रावण क्रोधित हो गया, गंदे पात्र में डाला दूध जैसे बिगड़ जाता, छिद्र वाले पात्र में डाला हुआ एक उत्तम पेय बह जाता है, अथवा तो कोई ऐसी वस्तु पात्र में हो तो शुद्ध वस्तु को विकृत कर सकता है। रावण को क्रोध आ गया, वचन तो उसने भी सुना, और जब क्रोध आता है तब तो यही बोली बोलता है, देगी नार सुनकर रावण क्रोधित हो गया और फिर क्रोध की बोली बोलने लगा कि मूढ़ का प्राण ले लो, और फिर जब उस रावण जो बोला कि मूढ़ का प्राण ले लो ये वचन उनके राक्षसों ने सुने तो वहां प्रतिक्रिया भिन्न है। सुनत निसाचर मारन
तो रावण ने सुना तो मार दो ऐसा हुक्म की प्रतिक्रिया। राक्षसों ने सुना तो मारने पर तुल गए, क्रिया में आदेश का अनुसरण कर दिया, दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के। और फिर जब यहां हनुमान जी ने बात सुनी तो न हिले न डिले, केवल मन में मुस्कुरा दिया कि रावण विश्व पंडित है, महापंडित है, इतना तो जरूर सोच सकता है। मेरी पूंछ जलाने की बात करता है तो इतना तो जरूर सोचता है कि बंदर के हाथ में आग देना हानि ही होती है। एक मशाल बंदर के हाथ में दे दे तो क्या नतीजा होगा, और मेरी पूंछ जलाने वाला है तो ये तो सोच सकता है, लेकिन फिर भी वो सोच उसकी बंद क्यों हो गई। अब लगता है भई सहाय शारद में जाना, मुझे लगता है सरस्वती उसको मदद कर रही है, क्योंकि मेरे एजेंडा में, मेरे कार्यक्रम में लंका दहन का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये जलाने वाला कोई और है, मुझे निमित्त बना रहा। वरना ये कोई भी अकलमंद, हम मैंने कहा ना कि हम बच्चों को भी ये दियासली नहीं देते कि कुछ जला देगा बच्चा, और फिर ये तो बंदर है। कपि चंचल सब ही विधि, ये तो कपि है, तो सोच भी नहीं सके कोई। और राक्षस लोग बड़े बड़े बैठे थे, वो भी सोच नहीं, वो लोग कौतुक देखना चाहते थे कि चलो कौतुक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा कि ये कौतुक कितना महंगा पड़ेगा। ये एक बंदर ने अक्षय का अक्षय कर दिया, और उसको आग देना, मौत को मोलना है। तो हनुमान जी ने निर्णय किया कि नहीं, ये लंका दहन जो होगा उसमें सरस्वती की। रामायण में मेरे भाई बहन जो लोग आक्षेप कर देते हैं कि लंका क्यों जलाई, अब भूल मत करना, लंका नहीं जलाई गई है, रामायण में अयोध्या भी जलाई गई है, चुक मत करना। और दोनों जगह सरस्वती की प्रेरणा ने काम किया, अयोध्या भी जलाई है मंथरा और कैकेयी के द्वारा। जहूं लाग दव दंति से दव लगा दिया, दसों दिशा में अयोध्या में एक विरहाग्नि लगाई गई थी और यहां वैराग्नि लगाई गई, लंका में, दोनों जगह सरस्वती प्रेरित कर रही है। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, अयोध्या का मातु करिए सोई आज, राम जारी बन राज दरी ओ सकल सुर। देवताओं ने सरस्वती को पुकारा था कि कुछ भी करो लेकिन राम वन में चले जाए, सरस्वती को ही निमित्त बनाया उस। और सरस्वती ने बड़ी आलोचना कर दी थी, गोस्वामी जी ने बड़ी आलोचना कर दी। ऊंच निवास नीचे कर देखी न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीचे कर आखिर में तो अंत में तो राम की ही इच्छा है ना। यहां लंका जलन में भी आखिर में तो राम जी की इच्छा है, और यहां भी तब कछु किन्ह राम रुख जा, राम की रुख के कारण सरस्वती ने एक किया। तो अयोध्या भी जलाई गई है, फर्क अग्नि का इतना था कि वहां विरहाग्नि लगी है, चारों ओर दव लग गया है। दसो सहमी उठी सुनी वचन कठोरा, जब लक्ष्मण जी सुमित्रा के सम्मुख है तब जब राम बन जा रहे हैं, कथा सुनकर मां सहम गई, जैसे मृग को लगा कि दसों दिशा में दाह लग गया, एक दव लग। तो अयोध्या में भी आग लगी है, व्रज में भी आग लगी है, लेकिन ये आग का प्रकार भी दो प्रकार की, वहां भी आग आई है। विरह की आग ऐसी लगी व्रज में कि आज तक बुझी नहीं, आज तक वृंदावन बाबा जी दादाजी बोलता था तो महाराज श्री भागवत पर बोलते थे, तो उसने हमको थोड़ा सा ऐसे आनंद से थोड़ा ताना मार दिया, आपके राम
के पास जाना बहुत मुश्किल है, ऐसे विनोद करते थे। वो कभी गा कर ही लेता था, क्या रे हूँ नम्रता थी गा कर ही लेते थे। उसने कथा में कहा कि साध्य और साधक का, साधन और साध्य का निर्णय करने का राज मैं छिपा रखता हूँ, मैं आज कहने वाला नहीं, मैं खोलने वाला नहीं। तो दूसरे दिन कथा शुरू करने पहले करनी थी मुझे, तो सब लोगों ने मुझ पर डाला कि बाबा जी ने नहीं खोला है तो आप खोल दीजिए। कल रहस्य रख दिया कि साध्य और साधन का निर्णय क्या है चैतन्य चरितामृत से, तो बोले आप खोलिए। मैंने कहा कि ये बूढ़ी गोपी घूंघट नहीं निकालती, तो मैं तो नई नई गोपी हूँ, मैं तो घूंघट खोल, ये पुरानी गोपी अभी नकाब रख कर बैठी है, तो मैं तो नई दुल्हन हूँ अभी, मैं क्यों मुँह खोलूँ, हमको तो शर्म लगेगी, वो खोले। बड़ा आनंद होता था कभी, वो बड़ी मस्ती थी। एक तो व्रज भूमि दादा, आपकी याद आती दादा, आपका सुमिरन भारतवर्षी की हम धन्यवान है, भाग्यवान है कि एक तपस्वी ऋषि हस्ती हमारे पास है, एक चलती फिरती भागवत विद्यापीठ है, एक सुख लकड़ी काया लई ने कोई भी घटना घटे तो भी अपना मानो अवतार कार्य करे जा रहे हैं, अवतार कार्य याद करते भागवत जी का प्रसंग होता है तो और याद आ जाती है। तो फिर वो महाराज श्री मुझे कहते थे कि आपके राम के पास जाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ तो भालू है बंदर है ये करते हैं ये करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मारो वारो आवे चले हूँ कही। मैंने विनम्रता से कहा कि बाबा जी हमारे राम के पास तो भालू है और खतरा है, लेकिन यहाँ तो व्रज की बालू में खतरा है कि यहाँ का कोई कण ले लेता है तो फिर जन्म भर रोता रहता है, विरहाग्नि में जल जाता है, क्योंकि यहाँ की रज ऐसी है, क्योंकि महान पुरुषों की गोपी जनों की ये रज। तो ऐसी आग लगी कहाँ अभी तक बुझी है व्रज में विरहाग्नि। इति संस्मृत्य संस्मृत्य, जब भी याद किया है उसको। तो मेरे कहने का मतलब भाई कि लंका ही नहीं जलाई गई है, एक और अग्नि से श्री अयोध्या जी को भी जलना पड़ा है, उसको भी जलाई गई है और ऐसे जले हैं कि क्या बताएं। कहने का अभिप्राय श्री हनुमान जी ने सोच लिया कि रावण जैसा बुद्धिमान ऐसा निर्णय नहीं कर सकता, फिर भी ये आदमी ऐसा आदेश दे रहा है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सरस्वती की प्रेरणा काम कर रही है, सरस्वती के पीछे राम जी की प्रेरणा काम कर रही है और एक तीसरी भी प्रेरणा काम कर रही है कि परमात्मा मेरे से एक वैष्णव की बेटी का सपना सच करवाना चाहते। सपने बानर लंका जा जात धान सेना त्रिजटा, एक परम वैष्णव की बेटी है विभीषण जी की, और उनको जो सपना आया उसने जो सपने की वह कथा सुनाई है वो हनुमान जी ने तरुपल्लव में छिपकर सुन ली थी। सोचा कि शुद्ध अंतःकरण वालों का सपना सच होता है और इस शुद्ध अंतःकरण वाली त्रिजटा का सपना मैं निमित हो जाऊंगा और सफल हो जाएगा, इसलिए ये योजना बन गई। और ये संसार का सबसे बड़ा राज रोग जो रावण है, रावणु सो राज रोग बाढ़त विराट उर कवितावली, इस विराट के अंतःकरण में रावण राज रोग बनकर बैठ गया था। ऋषि मुनि उपचार करते करते थक गए थे लेकिन रोग समापन नहीं हुआ, इसलिए हनुमान जी को रसवैद्य के रूप में भेजा गया कि सुवर्ण भस्म बना, सोने की लंका को सुवर्ण भस्म, रत्न को जतन करके लंका की खरल में पीस करके उस भस्म बना, एक मृगांक रसौषधि निर्माण कर, जेथी करी ने इस मानसिकता जो संकीर्ण मानसिकता है उस लंका को वो एक कुंदन बना जाए, सुवर्ण से कुंदन में उसको परिवर्तित कर विभीषण जैसे संत को दी जाए ऐसी लंका बनाई जाए कि जो संत को दे पाए, साधु को जो दे सके ऐसी एक लंका। इसलिए बाप ये लंका, क्योंकि इस आध्यात्मिक पीठ पर इतने महापुरुष हैं, आज से फिर और संत लोग और कल भी आएंगे ऐसे सब आ रहे हैं, तो सबका उद्देश्य यही है कि
ये समभाव हो, और समभाव तभी होगा कि जब हमारी मानसिकता जो लंका वाली बनी हुई है, एक संकीर्ण मानसिकता की लंका कोई सदगुरु के द्वारा, कोई हनुमंत के द्वारा जलाई जाए, फिर कभी राम राज्य का उदय होने में देर नहीं लगती। इसलिए इस प्रसंग को चुना गया है। आज वैसे तो मैंने कहा था कि राम जन्म, लेकिन अब राम जन्म 15 मिनट में तो कैसे होगा, इसलिए मनु भाई कल रखे। वाह वाह रे मौज सीख हो जाए या तो सखी हो जाए, गोपी भाव में आ जाए। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। और ये नशा उनके नाम का है, इन महापुरुषों की मस्ती का है, जिसके कारण ये होता है, क्योंकि इसलिए पूरा पंजाब गाता है। पूछ दिया सारिया जदो तेरे नाम दिया चरिया कुमारिया जदो तेरे जदो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया जदो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया। सम्राट नीरो जो हुए, सम्राट नीरो उसके एक उनके सन्निकट के आदमी ने उसके बारे में जो संस्मरण लिखे हैं, उसके संस्मरण में पढ़ रहा था। उसने लिखा है कि नीरो को एक ऐसी आदत थी खाने की, खाता ही रहता था, और उसने 5 चिकित्सक अपने साथ नित्य बॉडी गार्ड्स की तरह रखे। क्यों? कि वो खाता और फिर डॉक्टर को कहता कि कोई ऐसी दवा दो कि बमन हो जाए, ताकि बमन हो जाए तो फिर मैं और खाऊं। इसलिए 5 डॉक्टर्स उसने रखे थे। उसके जीवन में ऐसी बात आई, इतना खाने का वो था, बस खाना। नई नई वानगी बनती रहती थी, खाता था, कोई ऐसी गोली दी जाती थी पर बमन कर देता था, फिर खाली पेट हुआ, फिर खाया, फिर ऐसे उसके जीवन में। हम भी ऐसा व्रत ले कि खाएं जरूर, लेकिन हमारे निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में पूछा जाता है कि आहार क्या वैष्णव का, तो बोले हरि नाम आहार। ऐसा खाओ और खाते खाते फिर कोई सदगुरु को बगल में रखो कि कोई ऐसी गोली दे कि फिर भूख लगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर भूख लगे और खुमारी चढ़ती रहे, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। एक मस्ती, इसीलिए ये मस्ती उनकी है बाप। जदो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया जदो तेरे नाम लिया चढ़िया कुमारिया। किसी भी प्रकार से वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, कोई भी प्रकार से ये घटना घट जाए संसार में कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, ये घटना घट जाए और वो होगी उनके नाम से, उनके मस्ती। मेरिया ने किता कमाल जी सतगुरु मेरिया ने किता कमाल जी
किता है कमाल जी सतगुरु मेरिया ने किता है कमाल जी शहनशाह बनाया मैनू युगादि कंगाल सी 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 कित्थों लभे राम मैनू कित्थों लभे राम मैनू पूछ दिया सारिया जदों तेरे नाम लिया चढ़िया खुमारिया 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 तो आइए राम जन्म की कथा तो कल संक्षेप में लेंगे दादाजी के आशीर्वाद भी कल कल दिल भर से कहेंगे जितना समय कहना हो उतना कहेंगे फिर तो आज राम जन्म की कथा में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में उसका वो ठीक नहीं रहेगा तो मानस लंका दहन का जो दर्शन हम सब मिल करके कर रहे हैं उसको भी यहाँ मैं रख रहा हूँ लेकिन आइए आज का कथा का विराम हो और आरती हो इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें क्योंकि फिर मैं एक बार कहूँगा कोई भी कथा कोई भी प्रवचन हरि नाम के बिना ठाकुर कबूल नहीं करता है उसको स्वीकारने के लिए स्वीकारे वो इसलिए हरि नाम अति आवश्यक है बहुत जरूरी है इसलिए आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय करें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम राधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम श्री कृष्ण
का सत्संग विराम ले रहा है। इस अनुष्ठान का अगला अनुष्ठान का कदम कल सुबह 10 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए राजचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सदगुरु भगवान।
पापा बेटियां ने अने देखे पर एक माला बनती है। आज मैंने देखा ये संभाव का ये जो सम्मेलन है वो एक माला बन गई है। आज आप देखते हैं कि सिख धर्म के अकाल के जो मुख्य व्यक्ति आज यहाँ पर हैं और वैष्णव संप्रदाय के एक प्रौढ़ आचार्य जो शास्त्री जी यहाँ है, हमारा तो उन्होंने जब भागवत शुरू किया तब मफतलाल गगन ने जब हमने गए थे वहाँ जो आनंद बहाया था, आज इतनी उम्र में भी उनके मत में तन में कृष्ण भक्ति है, आज इनको देखा। और आपके मन के अंदर राम को जीवंत करने की जो शक्ति आपने पाई है वो राम भक्त जिसके मन में और तन में राम ही राम है, ऐसे मुरारी बापू। और आज कल हम मिले थे स्वामी नारायण स्वामी के जो प्रमुख स्वामी जी और इस्लाम के सब धर्मों के अंदर महावीर ने एक बात बताई कि स्यादवाद एक ही सत्य को भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रीत से जैसे सूर्य के किरण होते हैं ऐसे सत्य के किरण भिन्न भिन्न रीत से देखो और एक एक किरण को पाकर के अपने जीवन को प्रकाशित करो। तो ये प्रकाशित करने में जो माधवानी कुटुंब इतना जो निमित्त हुआ है वो देख के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो इस आनंद के प्रतीक रूप एक सुंदर मेरे पास भगवान महावीर जिसने ये सात किरण की बात कही उसका प्रतीक था मेरे पास। मैं उनको एक पूजा के साथ नहीं पर याद के साथ को हमको याद रखते हैं कि सब धर्म के अंदर जो प्रकाश है उसकी प्रतीति कर लो, निंदा मत करो। क्यों कि निंदा करने से तुम लुटा जाओगे और गुण ग्रहण करने से तुम समृद्ध हो जाओगे। महावीर ने यही सिखाया है कि किसी धर्म की निंदा मत करो। क्यों कि जवान निंदा करने के लिए नहीं स्तुति करने के लिए मिली है। तो ये जो मुझे हर हमेशा इसे रहा इसीलिए मैं सर्वधर्म का अभ्यास आज यूनिवर्सिटियों में कराता हूँ। फॉर क्रेडिट कोर्स में आज अमेरिकन लोग भी करते हैं क्योंकि हमारे मन में संभाव है तो उनके मन में भी संभाव है। आपने खूब बताई थी कि हम जो लेके जाते हैं वही सामने मिलता है। तो आज ये माधवानी परिवार को इस सभा आपको सब यहाँ एकत्रित करके जो ये आनंद उत्सव किया है उस आनंद के निमित्त से आज मनु भाई और उनके परिवार को हम ये सुंदर प्रतीक देते हैं और इसके साथ हम आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही काम करते रहो और सब संतों को साथ मिलाते रहो और लोगों के मन में परमात्मा के नाम से जोड़ो पर मत तोड़ो, जोड़ो। तो मनु भाई और मयूर भाई आप सब लोग बड़े भाई छोटे भाई सब लोग आइए और आपके तो हम जाते हैं। आज हमारे वृद्ध हैं, आज आप आचार्य आप ही दीजिए, बड़े शास्त्री जी साहब हैं और हमारे तो जूने मित्र हैं। आइए तो शास्त्री साहब कृष्ण शंकर जी जो साथ में न होता तो ये काम नहीं बनता और सारा माधवानी तन मन से ये लगा हुआ है। तो पैसा देने वाले तो बहुत होते हैं पर तन और धन और मन को देने वाले
थोड़े होते हैं, ये थोड़े में से ये हैं, और इससे हमें प्रेरणा मिले, ये शुभेच्छा है। और सबसे ज़्यादा तो यही है कि मुझे बुलाया और इतनी सभा, इतने भगवान जो बैठे हैं उनका दर्शन करने का आनंद मिला, उससे अधिक कोई अधिक आनंद हो नहीं सकता है, वो हो भी नहीं सकेगा। मुझे तो 8 दिन रहना था, पर कल शाम को मेरा प्रवचन है वहाँ पर, तो जाना होगा। आप सबको नमस्कार है। भक्तजनों के लिए एक सूचना है, प्रतिदिन की तरह आज की शाम भी इस्लाम धर्म पर एक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में इस्लाम धर्म का दर्शन करवाएंगे आदरणीय मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब। रस और रुचि रखने वाले भाई या बहन इस स्थान पर आ सकते हैं, ग्रिम्स डाइक होटल स्टैनमोर।